बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड के इज़ ए एनी स्केलर दैन प्रूव दैट के इज़ सिमेट्रिक। तो हमको ये बता दिया गया है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स ए को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर आई रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को। कितने रो होंगे, एम होंगे, और कितने कॉलम होंगे, वो एन होंगे। यानी आई की वैल्यू 1 से लेके m तक और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होगी। यानी ये मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, इसे ए टी से भी डिनोट किया जाता है, ए डैश से यहाँ पर डिनोट किया है, तो ये वैल्यू जो होगी, आपको मालूम है कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं, जे आई, और इस तरीके ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, m बाई n बाई m हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो आईथ रो होगा और jth कॉलम होगा, तो ट्रांसपोज लेने पर ये jth रो हो जाएगा और आईथ कॉलम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर दे रखा है हमको कि एक ए सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिंस ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक सिमेट्रिक्स होती है तो हम लोग जानते हैं उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका यूज़ भी करेंगे, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो के ए को डिफाइन कर लेते हैं, यानी के ए की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक मैट्रिक्स होती है। ए जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, आपको मालूम है के ए भी उसी ऑर्डर यानी एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सिर्फ क्या होगा, जो भी एलिमेंट हमें मिलेगा किसी भी रो किसी भी कॉलम में, उसमें इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हमें जो कि प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज लेना होगा। यानी अगर हम के का ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो इसी इसकी वैल्यू के के इक्वल आ जाती है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है के ए। तो हमने दोनों साइड जो है वो ट्रांसपोज ले रखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो के ए आई ए, और इसका ऑर्डर एम बाई एन का था, तो हमने इसमें ट्रांसपोज यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और जैसे कि लोग जानते हैं, ट्रांसपोज होने पर जो हर एक एलिमेंट होगा, जो आई रो में होगा वो आई कॉलम में हो जाएगा, जो जे कॉलम में था वो जे रो में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी कि इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये के मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में हो रहा होगा, ये बदलाव इसमें आ जाएंगे जे आई, और इसी तरीके से यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएंगे, एन वाई एम हो जाएगा। और आपको मालूम है के का मल्टीप्लिकेशन अगर हर एक एलिमेंट के साथ हो रहा है तो आप उसको मैट्रिक्स के बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो ए जे आई एन वाई एम, और ये वैल्यू जो डेफिनेशन है वो आपको मालूम है ए डैस के बराबर है, ए डैस के इक्वल है। तो इसे लिख सकते हैं के इंटू ए डैस लिख सकते हैं, और हम इक्वेशन नंबर ए वन का यूज़ करें तो वहाँ से हम ए डैस की जगह आपको ए के इक्वल लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ए का ट्रांसपोज जो है वो के इक्वल है। तो अगर ऐसा आता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज दैट के ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड।
और लिसनिंग में वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।